नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं। आज घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का तीसरा भाग है। टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और यूजीसी नेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाचक्र की बुक है और उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है व्याख्या के साथ। तो यह तीसरा भाग है दोस्तों, घटनाचक्र सीरीज का तीसरा भाग है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं, तीसरा भाग है। एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का पीडीएफ तैयार है जो टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए और नेट हिस्ट्री के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा। 5500 वन लाइनर क्वेश्चन है जो हिस्ट्री का है, जो टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए और अन्य जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड करने में किसी प्रकार की सुविधा होगी तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों। पूरा का पूरा हिस्ट्री का हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क करिएगा, मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा। और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, जो भी मटेरियल है बेहतरीन है। तो आइए शुरुआत करते हैं, तीसरा भाग है और यह पूरा पाँच हड़ताल चल रहा है। तो देखिए प्रश्न संख्या 31 देखिएगा, किसे भारतीय प्राग इतिहास का जनक कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। आरबी बूट मतलब रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारतीय प्राग ऐतिहासिक खोज का जनक कहा जाता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न संख्या 31 हो गया। प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में उत्खनित परमाणु के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ जो हुआ था मध्य पाषाण काल एवं यहाँ पर ऐसे तरह दिया गया है तो मध्य पाषाण काल एवं नव पाषाण काल। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। ये देखिए डी, पीजीटी परीक्षा 2013 में प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों यह तीसरा भाग है, तो अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखिए मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है तथा बागोर मतलब राजस्थान का भीलवाड़ा से मिले हैं। नौ पाषाण काल की प्रमुख विशेषता कृषि और पशुपालन का प्रारंभ एवं पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण है। इस प्रकार के उपकरण मिले हैं। प्रश्न संख्या 33 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्राग हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? ये बताना है। तो देखिए जो कुल्ली संस्कृति है यही प्राग हड़प्पा संस्कृति है। देखिए प्राग हड़प्पा संस्कृति का मतलब हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन। तो हड़प्पा संस्कृति से भी प्राचीन कौन सी है? वह है कुल्ली संस्कृति जो बलूचिस्तान में पाई गई। तो विकल्प ए जो है वापस सही है, यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। प्राग हड़प्पा संस्कृति का तात्पर्य हड़प्पा संस्कृति के पूर्व की संस्कृति से है। इसमें कुल्ली संस्कृति कुल्ली शहर में उद्घाटित प्राग हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 34 देखिएगा, इसको क्रम से लगाना है तो क्रम से लगाइएगा। सबसे पहले पूरा पाषाण काल आएगा, फिर मध्य पाषाण काल आएगा, फिर नव पाषाण काल आएगा, फिर ताम्र युग आएगा। तो 1342 मतलब विकल्प डी जो है वापस सही है। तो देखिए पूरा पाषाण कालीन संस्कृत का तिथि क्रम अनुसार क्या है? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल, उसके बाद ताम्र युग है। तो इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। कालक्रम से यहाँ पर भी लगाना है तो कालक्रम से यहाँ पर भी लगा सकते हैं आप लोग। देखिए पूर्व पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल, फिर आपका कांस्य युग भी आएगा, फिर लौह युग आएगा। इस तरह से आप लोग सुमेलित कर सकते हैं। यह देखिए यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर इसका व्याख्या देख लीजिए। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को तीन मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण युग को भी तीन काल में बांटा गया है। देखिए उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल, इस तरह से भी विभाजित किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। मतलब औजार बनाया जाना शुरू जब हुआ था यह पूरा पाषाण काल में हुआ था और पूरा पाषाण काल में भी उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ था। तो विकल्प बी जो है वापस सही है, पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। तो देखिए उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। परिष्कृत औजारों का युग किसे कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल को परिष्कृत औजारों का युग कहा जाता है। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विलक्षणताएं हैं, नए चकमक उद्योग की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। दो विलक्षणताएं हैं इसकी उच्च पूरा पाषाण काल की, नए चकमक उद्योगों की स्थापना और आधुनिक मानव होमो सेपियंस का उदय। दो विलक्षणताएं हैं।
प्रश्न संख्या 37 देखिएगा, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या है? पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या है? तो पुरापाषाण युग का जो प्रमुख औजार है वह है हस्तकुठार। हस्तकुठार पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया यह प्रश्न है। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार हस्तकुठार था। यह उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदन दुरै और अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है। जो हस्तकुठार प्राप्त हुआ है, जो हैंडेक्स उपकरण है, यह मद्रास के समीप बदन दुरै और अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है। ये साधारण पत्थर से कोर और फलेक श्रेणी का द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो यह चीज ध्यान में रखिएगा, जो पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं यह बदन दुरै से प्राप्त हुआ है, अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुआ है। और यह बाद में बताया हूँ, यह दोनों जो स्थल हैं यह पुरापाषाणकालीन स्थल हैं और दोनों ही कोर्तल्यार नदी घाटी में स्थित है। कोर्तल्यार नदी घाटी जो है तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 38, हैंडेक्स क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो देखिए, हैंडेक्स और क्लेवर आदि उपकरण जो हैं वह निम्न पुरापाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। हैंडेक्स और क्लेयर जो है आदि उपकरण जो है वह निम्न पुरापाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं। हैंडेक्स और क्लेयर आदि मतलब हाथ से जो भी औजार होते थे उन्हें हैंडेक्स कहा जाता था, हस्तकुठार कहा जाता था। और यह निम्न पुरापाषाण काल में यह बनाए जाने लगे थे। और परिष्कृत औजार किसकी विशेषता है? तो परिष्कृत औजार देखिए यहाँ पर आया था, परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। तो उच्च पुरापाषाण युग को परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। और इसकी विशेषता क्या थी? नए चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक होमो सेपियंस का उदय, यह इसकी विशेषता थी। लेकिन निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता क्या है? वह हैंडेक्स और क्लेवर आदि उपकरण जो है वह निम्न पुरापाषाण काल की विशेषता है। प्रश्न संख्या 39 देखिएगा, हैंडेक्स क्लीवर का संबंध है निम्न पुरापाषाण काल से संस्कृत से? यह भी प्रश्न दोहरा दिया है, यूपीजीआईसी में प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया है, 2009 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 40 देखिएगा, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी? तो पाषाण युग मानव के जो आग की जानकारी हुई थी यह पुरापाषाण काल में हुई थी। लेकिन पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, देखिए ध्यान रखिएगा। पाषाण युग मानव को आग की जो जानकारी हुई थी निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी। तो लेकिन जानकारी हो चुकी थी लेकिन वह उसके उपयोग से परिचित नहीं था। तो उपयोग की जो जानकारी मिली थी वह नवपाषाण काल में, मतलब आग का उपयोग क्या है इसकी जानकारी नवपाषाण काल में हुई थी, जबकि इसकी खोज निम्न पुरापाषाण काल में हो चुकी थी। पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी सर्वप्रथम निम्न पुरापाषाण काल में हुई थी, परंतु इस दौरान उसके उपयोग से वह परिचित न था। आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम नवपाषाण काल में के दौरान सीखा। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा, क्या मिट्टी के बर्तन बनाना नवपाषाण काल से संबंधित है? तो देखिए, तो बिल्कुल मिट्टी के बर्तन बनाना, पहिए का आविष्कार, यह सभी नवपाषाण काल से संबंधित है। तो विकल्प ए जो है वो सत्य है, पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, नवपाषाण काल या नियोलिथिक शब्द, इसे नियोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो देखिए, नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। बाद में विद्वानों ने नवपाषाण संस्कृति की निम्न विशेषताओं को सुनिश्चित किया, कृषि कार्य करना या पशुओं को पालना, पत्थर के औजारों का घर्षण और उन पर पॉलिश करना, मृदभांड बनाना, यह सभी विशेषताएं थीं। प्रश्न संख्या 42 देखिएगा, मध्यपाषाण काल के लोगों को मुख्य विशेषता क्या थी? मध्यपाषाण काल के लोगों की मुख्य विशेषता क्या थी? तो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त का उपयोग करना, जो छोटे छोटे जो औजार होते थे पत्थर के, उसे लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, इसे माइक्रोलिथ भी कहते हैं। इसका उपयोग, यही जो विशेषता थी मध्यपाषाण काल की विशेषता थी। तो मध्य पाषाण काल के लोगों का मुख्य विशेषता लघु पाषाणोपकरण का प्रयोग करना था, इसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा गया है। प्रश्न संख्या 43 देखिएगा, पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? पूर्व पाषाण के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? तो शिकार करना। पूर्व पाषाण के लोगों का जो मुख्य उद्यम था वह था शिकार करना। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया यह प्रश्न है। पूर्व पाषाण युग के लोगों का मुख्य उद्यम क्या था? शिकार करना। किसी का ज्ञान न होने के कारण वह वनों से प्राप्त फल मूल, आखेट में मारे गए पशु, नदियों एवं झीलों से प्राप्त मछलियों पर निर्भर था। प्रश्न संख्या 44 देखिएगा, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? पूर्व पाषाणकालीन मानव का जो मुख्य धंधा था वह क्या था? तो क्या धंधा था? वह शिकार करना उसका मुख्य धंधा था। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है 2009 में। अंतिम प्रश्न देखिएगा, हर सीरीज में हम 15 प्रश्न ही करा रहे हैं, तो 14, 15, 12 ऐसे ही होगा, लेकिन यह आपका अंतिम प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45 देखिएगा, प्राचीन भारत में कृषि के प्राचीनतम उल्लेख कहाँ से मिले हैं? तो प्राचीन भारत में कृषि के जो प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं?
तो प्राचीन भारत में जो कृषि के प्राचीनतम उल्लेख मिले हैं वह मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से देखिए, मैं इसलिए थोड़ा टाइम लिया क्योंकि अगर आपका लोहरा देव होता, लोहरा देव जो संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में लोहरा देव है, यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इसका लोहरा देव का कहीं जिक्र नहीं है। अगर लोहरा देव हो तो लोहरा देव ही सबसे प्राचीनतम है। ध्यान रखिएगा, 8000 ईसा पूर्व लोहरा देव में, संत कबीर नगर के लोहरा देव में, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद के लोहरा देव में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, मतलब चावल की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन यहाँ पर उपयुक्त जो भी आपके ऑप्शन है, विकल्प हैं, उसमें जो मेहरगढ़ है वह सबसे प्राचीनतम है, इसलिए मेहरगढ़ जो होगा सही होगा, विकल्प बी जो है वो सही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ है, यहाँ पर कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है इन विकल्पों के अनुसार। तो पीजीटी परीक्षा सन 2000 में पूछा गया प्रश्न है। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहरा देव है। यहाँ से 8000 से 9000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था। देखिए, मेहरगढ़ सबसे प्राचीन स्थल था, लेकिन जब लोहरा देव खोजा गया तो लोहरा देव से पता चला कि लोहरा देव तो और भी प्राचीन है, 8000 ईसा पूर्व है। बलूचिस्तान में स्थित यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, मतलब मेहरगढ़ से मिले हैं। तो यह सब है बात है। यहाँ पर कुलडेवा में देखिए, कुलडेवा से भी साक्ष्य मिले हैं। कुलडेवा का जो साक्ष्य है वो 6500 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और TGT PGT हिस्ट्री मॉक टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, घटना चक्र TGT PGT हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। धन्यवाद आप लोग को। और आप लोग 5500 ऑनलाइनर क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है डाउनलोड करने का, बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट PDF है। धन्यवाद।